हेलो फ्रेंड्स, झारखंड के भूमि संबंधी कानून और कुछ अधिनियमों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से झारखंड के जेपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसमें जो ज़रूरी जानकारी है वो सब क्या क्या है। तो यहाँ पर झारखंड भूमि संबंधी का जो कानून या अधिनियम बना है उसमें से दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वह है पहला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको सीएनटी एक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले बात कर लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में। तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को अभी देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन या किसके कारण झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। जमीन संबंधी बहुत ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से रहते थे आदिवासी लोग, उनकी ज़मीनों को छीना जाता था, उन लोगों से ज़बरदस्ती लिया जाता था और बेगारे किया जाता था उनको बिना पैसे दे करके। तो इन सभी से बचने के लिए ही भूमि संबंधी कानून या अधिनियम लाया गया था, जो समय समय पर इस पर संशोधन भी किया जाता रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सीएनटी एक्ट लागू किसके कारण हुआ, तो बिरसा मुंडा के उलगुलान के कारण हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना है। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य 1902 में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो काश्तकारी अधिनियम या भूमि संबंधी कानून जो बन रहा था, उसके लिए सर्वे का कार्य सबसे पहले 1902 यानी कि 1902 में प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखना है। सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है वह लागू हुआ है 11 नवंबर 1908 को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो ब्लूप्रिंट है उसको कौन तैयार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन एच हॉफमैन। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 1908 का जो काश्तकारी अधिनियम झारखंड का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था, उसका ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय हैं। तो यहाँ पर 19 अध्याय हैं सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत। सीएनटी एक्ट 1908 में कुल 271 धाराएं हैं, यानी कि 271 धाराएं हैं सीएनटी एक्ट 1908 के तहत। तो 19 अध्याय और साथ ही साथ 271 धाराएं हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये भी सीएनटी एक्ट 1908 मुंडारी, खुटकट्टी, भूहरी, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, सीएनटी एक्ट जो था वह यहाँ के जमीन के जो प्रकार हैं, मुंडारी जमीन, खुटकट्टी जमीन, भूहरी जमीन, कोड़कर जमीन, इन जमीनों की रक्षा के लिए, इनको लूटने से बचाने के लिए यह अधिनियम को लाया गया था। तो ये जो जमीन के प्रकार हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। सीएनटी एक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। तो ये जो सीएनटी एक्ट बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जो था हुआ था भूमि पर जो अवैध कब्जा था, जो अवैध रूप से लूट लिया जाता था, तो इन्हीं को रोकने के लिए ही यह सीएनटी एक्ट बनाया गया या इसको लागू किया गया। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला इसके बारे में जानकारी है कि सीएनटी एक्ट 1908 झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू है, यानी कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, उसमें से 4 प्रमंडल में लागू है सीएनटी एक्ट 1908, और एकमात्र जो प्रमंडल है जिसमें यह लागू नहीं है, तो वह है संथाल परगना प्रमंडल में, क्योंकि वहाँ के लिए स्पेशल संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनटी एक्ट झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। और किस में लागू नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल परगना में। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत झारखंड में कुल 18 जिलों में सीएनटी एक्ट लागू है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में जितने भी ज़िले हैं
24 जिले हैं उसमें से कितने जिलों में सीएनटी एक्ट 1908 लगा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 जिलों में। सीएनटी एक्ट 1908 उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में लागू है, यानी कि चार प्रमंडल में सीएनटी एक्ट 1908 लागू है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अब तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है कि सीएनटी एक्ट में टोटल 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं और समय समय पर इस पर संशोधन किया जाता रहा है। तो अभी तक देखा जाए तो इसमें 26 संशोधन किए जा चुके हैं। अंतिम बार इसमें संशोधन 2016 में किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो अंतिम बार संशोधन हुआ है वह 2016 में किया गया था और उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। तो रघुवर दास के सरकार के समय में यहाँ पर इसका अंतिम संशोधन किया जा चुका है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें मैंने बताया वो सब सारे इम्पोर्टेंट है, जिसको आप अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आसानी से याद कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी याद रखने के लिए इतने जानकारी को जरूरी है और इतने सारी जानकारी को अच्छे से याद भी करना है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में और कुछ जानकारी होगी या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जितना बताया गया है उसको अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ये आसानी से याद होने वाले भी है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।